हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक है, कंक्लूजन है, छोटा सा टॉपिक है। हम इसको कंप्लीट करते हैं आज इस चैप्टर को। द ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप एंड क्लैशेस ऑफ इंडियंस इनटू अ कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, फर्स्ट हाफ के अंदर क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, अंग्रेज़ों की सरकार जो थी, उसके खिलाफ गुस्सा जो था लोगों में वो बढ़ता गया। और ये इंडियन जितने भी इंडियन थे, जितने भी इंडियंस के ग्रुप्स कह लीजिए, सोसाइटी कह लीजिए, कास्ट कह लीजिए, रिलीजन कह लीजिए, उन सभी के अंदर फ्रीडम के लिए एक जो चीज़ थी वो उनको इकट्ठा कर रही थी। उसके अकॉर्डिंग वो फ्रीडम सारे चाहते थे कि फ्री हो जाए, हम इन लोगों से निकल जाए, पहले ब्रिटिश से निकले। इसी समय द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल ग्रीवेंस इनटू द ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। कांग्रेस और महात्मा गांधी उसको लीड कर रहे थे, वो इन लोगों का जो परेशानियां थी, लोगों की जो दिक्कतें थी, तो और उन सबको लेके वो चाहते थे कि इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए, ये सारे मिलके इस फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करना शुरू किए। तो इसके लिए वो उन्होंने पूरे देश को क्या करना गया, यूनाइटेड करने की कोशिश की। थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राई टू फोर्ज ए नेशनल यूनिटी, एक नेशनल यूनिटी बनाने की कोशिश की गई उन नेताओं के द्वारा। बट एज वी हैव सीन, जैसा पहले हम देख चुके हैं कि डाइवर्स ग्रुप एंड द क्लासेस पार्टिसिपेट इन दीज मूवमेंट विद वैरिड एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन। अलग अलग जो ग्रुप्स थे, अलग अलग जो सोसाइटी के लोग थे, उनकी अलग अलग इच्छाएं थी, उनकी अलग अलग अपेक्षाएं थी, अलग अलग मतलब थे स्वतंत्रता के, स्वराज्य के, इंडिपेंडेंस के, है ना। तो इसको लेके वो अपने अपने हिसाब से लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि जोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी कि आप, वो चाहती थी कि इनकी जो भावनाएं हैं उनको हम देखते हुए इनको आपस में जोड़ दें। हाँ भाई तुम्हारे साथ ये होगा, हाँ भाई तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम जो चाहते हो वो मिलेगा, लेकिन तुम पहले अंग्रेज़ों से तो फ्री हो। इस तरह से करके वो जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी अपनी डिमांड, उनको पता था कि हमारी हमारी डिमांड है, हम अपनी अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हो सकता है हमें आ जाए। सबके लिए स्वतंत्रता का अर्थ, उस चीज़ के लिए मुक्ति का अर्थ, इस इंडिपेंडेंस होने का अर्थ अलग अलग था, और कांग्रेस चाहती थी इन सबको हल कर दिया जाए, साथ लेके चला जाए। एज देयर गवर्नेंस वर वाइड रेंजिंग, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल ऑल्सो मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। कॉलोनियल रूल से बाहर आने के का मतलब भी उनके लिए अलग अलग था। बिजनेसमैन के लिए टैक्स कम कर देना था, प्रॉफिट कमाना था, गरीब किसानों के लिए ज़मीन लेना था, अमीरों के लिए टैक्स लगान कम कर लेना था, अमीर किसानों के लिए लगान कम कर देना था, कपड़े के लिए कुछ और था, आदिवासियों के लिए कुछ और था, ट्रैवल पीपल के लिए कुछ और था, ये सब अपने डिफरेंट थिंग, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट देयर गोल्स। द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्ट टू रिजोल्व डिफरेंसेस, कांग्रेस इन सब के डिफरेंसेस ख़त्म करना चाह रही थी, सोचते थे भी सबको करेंगे, एंड एंश्योर दैट द डिमांड ऑफ द वन ग्रुप डिड नॉट एलियंस अदर, कि एक ग्रुप की डिमांड से उसको हम अगर मांगे, ज़्यादा मांग लें तो कहेंगे दूसरा ग्रुप हमसे दूर नहीं चलाए। कांग्रेस चाहती थी सारे ग्रुप हमारे साथ जुड़ के रहें, हम इसको साथ लेके चलें और फिर इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ें। लेकिन जब वो एक को पकड़ती थी तो दूसरा ग्रुप नाराज हो जाता था, दूसरे को पकड़ती तो तीसरा, अमीर को पकड़ा तो गरीब नाराज, गरीब को पकड़ा तो अमीर नाराज, वर्कर्स को पकड़ा तो इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज, इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ा तो वर्कर नाराज। इस तरह की कंडीशन कांग्रेस और इन सब की हो रखी थी। दिस इज स्पेशली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफ अनब्रोकन डाउन, और यही कारण था कि बार बार जो आंदोलन चलते थे, जो मूवमेंट चलते थे, उनमें खिंचाव आया था, टकराव आया था, बिखराव आया था, वो बिखर जाते थे उसके अंदर। और कांग्रेस जो नेशनल यूनिटी चाह रही थी वो जब पहुंचती और उसके बावजूद फिर बिखर जाती थी, सब कुछ टूट जाता था उसका। तो ये बार बार उसके साथ कॉन्फ्लिक्शन चल रहा था ग्रुप के, क्योंकि ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होते थे, आपस में दूसरों के हिट टिक रहे थे। एक तरह से हम कह सकते थे इनको, इन अदर वर्ड्स, व्हाट वाज द इमर्जिंग वाज अ नेशन विद मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलन रूल्स। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक नेशन के रूप में लोग इकट्ठे ज़रूर हो रहे थे,
इकट्ठे कॉलोनियल रूल से बाहर आने के लिए हो रहे थे, सबकी एक ही इच्छा थी कि पहले कॉलोनियल रूल से बाहर आ जाएं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वॉइस जो थी, वो सभी की वॉइस मिलके इस कॉलोनियल रूल से बाहर आने की इच्छा थी। हर रिलीजन कह लीजिए उसको, सोसाइटी कह लीजिए उसको, सोशल डिफरेंसेस के कह लीजिए, लेकिन सबकी इच्छा एक थी कि हम लोग इससे बाहर आ जाएं। तो वुमन भी वहाँ पे प्रोसेशन कर रही थी बॉम्बे के अंदर ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये वुमन्स हैं सारी की सारी, और ये इनका मूवमेंट चल रहा था उसमें। ये हमारा कंक्लूजन पूरे टॉपिक का कि हम एक पीक पे पहुंचते थे, सबको इकट्ठा करने की कोशिश करती थी कांग्रेस, लेकिन वो बिखर जाती थी। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हम कहते हैं, काफ़ी फेमस था ये। 14th जुलाई 1942 को पास किया गया था वर्धा के अंदर। वर्धा में कांग्रेस ने इसको 14 जुलाई 1942 को इसको भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था उसके ऊपर, और उसको स्टार्ट करने की कोशिश की थी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अंदर जो इंडियन कांग्रेस की कमेटी थी, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, और उसके बाद से ये पूरा स्टार्ट हुआ। गांधी जी ने इसी मूवमेंट के दौरान डू और डाई का नारा भी दिया था, करो या मरो, ये स्पीच भी उन्होंने दी थी। और भारत छोड़ो का आह्वान करने पर, बुलाने पर देश के हर जगह पे लोग इसमें खुद ही कूद पड़े थे, और काफ़ी फेमस मूवमेंट हुआ था। हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे, हर एक वही वापस सत्याग्रह करना स्टार्ट हो गए, नॉन कोऑपरेशन करना स्टार्ट हो गए, ये सारे मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे उसके अंदर। जब लीडर्स को लगा तो उन्होंने काफ़ी अंग्रेज़ों ने लीडर्स को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुण आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और खूब सारी वुमेंस भी थी, जैसे बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी, ये फेमस वुमेंस थी जो उस समय जिनको गिरफ्तार किया गया अंग्रेज़ों ने। फिर ब्रिटिशर्स या अंग्रेज़ जिसको हम कहते हैं, काफ़ी इन्होंने अपना बल प्रयोग किया, काफ़ी उसको दबाने की कोशिश करी, और लेकिन उनको काफ़ी समय लगा, लगभग एक साल तक वो इस मूवमेंट को दबाते रहे, तब जाके ये मूवमेंट थोड़ा सा कम हुआ था। एक्चुअल में मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था, ये क्रिप्स मिशन क्या फेलियर था, क्रिप्स मिशन क्या था हमारे पास, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कंडीशन थी हमारे पास। तो क्रिप्स मिशन थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही थी जो 1942 के आसपास की बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1942 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एक बंदा था उनका, उसको यहाँ पे भेजा, ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, उन्होंने उनको यहाँ पे भेजा था, और वो लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। लेबर पार्टी दैट मीन्स जो वर्कर्स की पार्टी होती है उस टाइप से, कम्युनिस्ट टाइप की पार्टी थी, उससे जुड़े हुए थे, और वो थोड़ा सा जो इंडियन की जो डिमांड थी, जो इंडियंस की डिमांड थी ना कि भाई आप ये सेल्फ रूलिंग की जो बात आप कर रहे हो उसके साथ वो सपोर्ट करते थे मिस्टर क्रिप्स जो थे, ठीक है। लेकिन उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, चर्चिल, मिस्टर चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश इंडिया के, वो जो थे वो इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से कोई वो सपोर्ट करें उसको। क्रिप्स ने इंडियंस के साथ, कांग्रेस के साथ काफ़ी बात की, जो मुस्लिम लीग थी हमारी, चिन्ना जी थे, उनके साथ काफ़ी बात की, और उनसे बात करके उन्होंने कहा कि जैसे आप ऐसा कीजिए, हमें सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए, आप हमारी सेना में शामिल लीजिए, हमारे साथ दीजिए, हमारी सेना के साथ चलने की कोशिश कीजिए, और जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो हम आपके यहाँ पर इलेक्शन करवाएंगे, आपको एक कॉलोनियल स्टेटस दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दिलवा दूंगा मैं, और खूब सारे उसने वादे किए थे इस तरह के कि आपको आज़ादी की बात करेंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से उन्होंने काफ़ी मीठी गोलियां देने की कोशिश की। लेकिन जो चर्चिल थे उनकी, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, वो इनके क्रिप्स की बातों से सहमत नहीं थे,
तो कुल मिला के हुआ ये कि क्रिप्स जो यहाँ पे जो लेके आए थे, जो परफॉर्मा बना के लाए या जो कुछ चीज़ें बना के लाए, तो वो कांग्रेस के लीडर्स के साथ इन्होंने जो बात की, मुस्लिम लीग के साथ जो बात की, वो सारी की सारी डोमिनियन स्टेटस वगैरह ये वो जो बात की थी, वो जितने भी जो प्रयास थे उनके, जो उन्होंने काम किए थे, वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए, वो काम नहीं आए, वो वार्ता जो है फेल हो गई, एक तरह से मिशन जो है फेल हो गया था। अब इस मिशन के फेल होने के बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और इंडिया कांग्रेस वगैरह ने भी कोई सेकंड वर्ल्ड वार में इनको सपोर्ट करने से मना कर दिया कि हम सपोर्ट अपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ मुस्लिम्स जो थे जिनकी क्रिप्स के साथ बात हुई थी, उन्होंने उनको सपोर्ट करने की बात भी की थी कि चलो हम आपको सपोर्ट कर देंगे, इस तरह की बात करके वो क्या हुआ थे, थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के आइज में अच्छा स्टेटस गेन कर गए थे, और वो राजनीति है ब्रिटिशर्स की, फूट डालो राज करो, और इस कंडीशन के चलते हुए बाद में पाकिस्तान भारत वाले कोई बात स्टार्ट हुई थी। तो ये एक था इसका थोड़ा सा हिस्ट्री कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ये क्रिप्स मिशन क्या था, हालांकि आपके आएगा नहीं लेकिन आपको इतना सा हिस्ट्री पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलते रहें।